हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमुत्तल ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है मेरा सफर जो पिथौरागढ़ से लोहाघाट की ओर है, क्योंकि मेरा वहाँ है पेपर और पेपर की डेट आ चुकी है। तो मुझे अब निकलने के लिए अब मुझे पैकिंग करनी है, वो भी रात के 10:15 बजे में पैकिंग कर रहा हूँ। अब पैकिंग करता हूँ, फिर उसके बाद कल सुबह बनाऊँगा अच्छे से नया ब्लॉग निकलने का। तब तक देखते रहो। मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो गई है। सुबह के बाद कितने वाले हैं, 8। तो देख सकते हो सुबह हो चुकी है और मेरा तो आ गया है चाय। चाय पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। उसके बाद फिर निकलने का समय आता है। बैग बैग पैक हो चुका है, देख सकते हो। सो मैंने चाय पी ली है अभी, तो मैं पहले फैसला पहुँचाता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं अपने मंजिल की ओर, अपने रूम की ओर। तो निकलते हैं, देखते रहो। सो गाइस, मैं अब फ्रेशअप हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ। अभी सिर्फ टी शर्ट में हूँ। सफ़र सफ़र है तो मैं इसके ऊपर एक एक अपर और डालूंगा जरूर। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखा दूँ एक बार। बाहर देख लो मौसम कैसा हो गया है, बादल लगे एकदम हर जगह। साला आज ही होना था ये मौसम भी। इस मौसम की वजह से तो भयंकर अब मन में भी वो हो रहा है ना, मन में चल रहा है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साला अगर बारिश आ गया रास्ते में तो मैं तो फंस जाऊंगा फिर। और निकलना भी ज़रूरी है क्योंकि अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया, डेट पेपर का, तो जाना ज़रूरी है। देखता हूँ, चलो इसके ऊपर अब हुडी डालना पड़ेगा मे भी, अगर ठंडा वंडा लग ना जाए मुझे रास्ते में। तो दोबारा दिखा देता है मौसम, देख लोगा मौसम कैसा हो रखा है। चारों तरफ एक जैसा ही है ना, धूप का कोई निशान नहीं है, बस आज है एक बादल बादल। आगे देखो फिर, अब हुड उड़ पहन के जाना पड़ेगा उससे, क्योंकि फिर मैं धूल मिट्टी से बच जाऊंगा और ठंडे से भी। तो देखते हैं, मिलते हैं। सो गाइस, मैं नाश्ता सा कर लिया है और अब मैं निकलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। घर वाले को बाय बाय बोल देता हूँ, पढ़ना वढ़ना बोलता हूँ, फिर चलते हैं आगे। प्रणाम बा, प्रणामी, जा रहा हूँ, बाय बाय, आशीर्वाद आशीर्वाद। ओ तिते प्रणाम। अरे निकल ले हो? हाँ निकल ले, अब समय आ गया जाने का। सौ रुपये दे लो, लाओ। ठीक है, प्रणाम। हाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ अच्छे तरह से बात करना किसी के साथ। ठीक है ठीक है। गाइस अब मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय। हाँ सबको, हाँ ठीक है ठीक है, प्रणाम, आशीर्वाद, चाहता हूँ फिर मैं। हाँ सो गाइस, अब मैं निकल चुका हूँ, अब मेरा सफर है। मौसम दिखा देता हूँ आपको, मौसम अभी मौसम भी बहुत गंदा है, सेम मौसम है, बहुत ही गंदा मौसम है। तो अब मुझे निकलना है, ये है मेरी गाड़ी, मुझे निकलना है। सो अब बाद में मिलते हैं, सफर दिखाता हूँ मैं रास्ते में, ठीक है। तो भाई साहब मैं निकल चुका हूँ, आगे देखते रहो सफर। मैंने तेल भरा लिया है बाइक में और अब तो रोड दिखाता हूँ, रोड क्या चीज है, मेन तो रोड है।
किलोमीटर कवर कर लिया है। अब आगे घाट 12 किलोमीटर दूर है, तो मैं पहुँचने वाला हूँ घाट। आगे भी काम चल रहा है, आगे काम चल रहा है, काम चल रहा है। फिर उसके बाद निकलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस मैंने तो घाट पार कर लिया है, बहुत जाम हम बहुत देख लिए भाई, आज तो जाम हम बहुत लग गया यार ब्लॉक के चक्कर में, बहुत जाम लेट हो रहा है, मुझे बहुत लेट कर गया है ब्लॉक के चक्कर में। अपने घाट पार कर लिया है, घाट की ओर निकल चुका हूँ। घाट से आगे रास्ता बहुत गंदा है, तो आप ये दिखा दो अंदर अभी। रात में भी था कुछ देर था ये जगह, और जाम लग गया है, देख लो आप भी अंदर रहे वहाँ पे जाम लग गया। तो रास्ता ब्लॉक है अभी, वेट करना पड़ेगा फिर से। और सो गाइस एक घंटा हो चुका है और ये जाम देखो अभी तक अभी तक लगा है यहाँ पे, ब्लॉक है और जाम दिखाता हूँ। वहाँ देखो गाड़ियाँ जाम कैसी हो रही, बहुत गाड़ियाँ आ गई हैं नंबर पे। अभी ब्लॉक के पीछे रहा तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा, धूल मिट्टी बहुत खाऊँगा। तो इससे अच्छा मैंने अभी ब्लॉक अब जो ये ब्लॉग है अब मैं आप थोड़ा आगे ही जाके मिलूँगा जाके, ताकि मतलब मुझे भी धूल मिट्टी का मतलब सामना ना करना पड़े। अब खुलने वाला है रास्ता, तो अब मैं भी चलता हूँ, तैयार होता हूँ गाड़ी के लिए, गाड़ी में बैठता हूँ, फिर मिलते हैं आगे। तो फाइनली मैं मुरला खान पहुँच चुका हूँ। ये मुरला खान लोहाघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फाइनली गाइस मैं अपने पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन में, मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन, बस अपने रूम की ओर जा रहा हूं। तो इस रूम में पहुंचता हूं, फिर देखो मेरे रूम की हालत कैसी हो रखी है। पहले देखो आपको सीढ़ी दिखाया था, पूरी 100 सीढ़ियां चढ़नी है मैंने यहाँ तक अपने रूम तक पहुंचने के लिए, 100 सीढ़ियों का सामना करना है। मैं रूम पे पहुंच चुका हूँ, मेरे रूम की हालत देख लो कैसी हो गई। ऐसी हो रही है, ऐसी बदबू आ रही है सीलन की, बाप रे। सांस में ओ माय गॉड, कूड़ा अभी तक फेंका नहीं है, शिट मैन। तो फाइनली मैं अपने रूम पर पहुंच चुका हूँ, और अब मुझे फटाफट बहुत थक चुका हूँ मैं, क्योंकि इतना जो ये सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का सफ़र था वो पूरा कितने घंटे में तय हुआ, 3.5 घंटे में, बाप रे। तो हाँ मैं पहले रेस्ट करता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ एक बार, जहाँ पे मैं आपको एक किस्सा बताने वाला था, उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ पे ब्लॉक था वहाँ पे
जहाँ कटिंग चल रही थी वहाँ पे ठीक 1-2 किलोमीटर आगे हम निकले तो वहाँ पे एक और ब्लॉक आया था, कटिंग हो रही थी रास्ता, तो हम वेट कर रहे हैं वहाँ पे दो कटिंग हटाने का। तो वहाँ पे एक अंकल थे मेरे साथ मेरे आगे, उन्होंने उस दूसरे ब्लॉक में कटिंग में ये जल्दीबाजी थी कि उनके ऊपर सर में पत्थर आते आते रह गया। क्या बोल रहा है, ऐसे जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए, क्या बताओ अंकल। मैं भी आज उनका लास्ट समय होता, जहाँ जाना था वहाँ जाना छोड़ के उल्टा हॉस्पिटल जा देते, ऐसे जल्दीबाजी कभी मत करना गाइस तुम भी। मैंने तो नहीं किया, मैं तो रुका 5 मिनट और वहाँ पे। और अब मैं और ऊपर पहुँच चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ मैं। मैंने तुम को ये बिस्तर स्तर को मैंने सुखाना है बाहर और फिर थोड़ा साफ सफाई करनी है। सो गाइस मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, बिस्तर धूप धूप में सुखा दिए हैं और झाड़ू भी लगा लिया। बहुत झाड़ू लगा दिया तो बहुत आफत आ गया, बहुत कीड़े मकोड़े थे सीलन वाले, उनको साफ सफाई कर लिया। अब बहुत भूख लग रही है, बस अब फ्रेश होके खाना खाने जाता हूँ। फिर इसी दौरान मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। बाय बाय, पीस आउट।